अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फूड विद आयशा। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए आपकी ही फरमाइश पे बहुत ही मज़ेदार से कैरेट केक की रेसिपी लाई हूँ। जी हाँ, कैरेट केक जो कि बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी बहुत ही फेवरेट होता है, और ये कैरेट केक की बहुत ही परफेक्ट सी रेसिपी है। तो आप जो है सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे तो जो आपके केक का रिजल्ट होगा, टेक्सचर होगा, वो बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही बेस्ट होगा। कैरेट केक बनाने के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं उसमें मेरे पास है 1 कप मैदा, 1/2 कप कास्टर्ड शुगर, 1 कप कैरेट, 1/2 कप मिल्क, 1 एग, 1/2 कप ऑयल, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और ये मैंने वॉलनट्स लिए हैं गार्निशिंग के लिए। साथ में मैं इसमें शामिल करूंगी वनीला एक्सट्रैक्ट। बोल में मैं सबसे पहले शामिल करूंगी 1 एग, साथ में जाएगा इसमें ऑयल 1/2 कप, और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी कास्टर्ड शुगर यानी पिसी हुई चीनी। अब मैं सारी चीज़ों को साथ में जो है बीट कर लूँगी हैंड विस्कर की मदद से, जब तक कि जो टेक्सचर है एग मिक्सचर का वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं हो जाता। और टेक्सचर को फ्लफ़ी होने में तकरीबन 4 से 5 मिनट का टाइम तो लगता है। तो बस मैं इसको 4 से 5 मिनट तक बीट करूँगी और फिर मैं आपके साथ में इसके टेक्सचर का जो लुक है वो शेयर करूँगी। फाइनली एग मिक्सचर का टेक्सचर आप देख लीजिए कि कितना थिक हो चुका है और कितना ज़्यादा फ्लफी लग रहा है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 कप मैदा, और मैंने मैदे को जो है वो पहले से ही छान के रखा हुआ है, तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी मैदा, और मैदे के साथ ही इसमें जाएगा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। दोनों चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी, और अगर मुझे कंसिस्टेंसी जो है थिक लगी तो मैं इसमें दूध शामिल करूंगी हस्बे ज़रूरत। तो जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी गाढ़ी है, तो मैं इसमें दूध शामिल करूंगी हस्बे ज़रूरत। बस थोड़ा सा दूध अभी हम शामिल करके देखेंगे। अब मैं इसमें शामिल करूंगी कैरेट्स 1 कप। सारी चीज़ों तो जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी गाढ़ी है, तो मैं इसमें दूध शामिल करूंगी हस्बे ज़रूरत। बस थोड़ा सा दूध अभी हम शामिल करके देखेंगे। अब मैं इसमें शामिल करूंगी कैरेट्स 1 कप। सब चीज़ों को शामिल करके मैंने कर लिया है मिक्स, और आप इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। और कैरेट केक में एक बात आप याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा पतली कंसिस्टेंसी का जो कैरेट केक है वो बिल्कुल भी सही नहीं बनता है। तो जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी जो है थिक होनी चाहिए। बस अब मैं इसे केक मोल्ड में शामिल कर दूंगी कि जिसको मैंने पहले से ही ग्रीस करके रखा हुआ है। बैटर को मोल्ड में डालने के बाद मैंने इसको टैप कर लिया था ताकि सारा बैटर जो है वो अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जाए, और अब मैं इसको कर लूंगी बेक। तो बेक करने के लिए मैंने देगची को प्री हीट कर लिया है 10 मिनट्स के लिए, और अब मैं जो केक का मोल्ड है वो रख दूंगी देगची में, और अब मैं इसको ढक के बेक कर लूंगी तकरीबन 30 से 35 मिनट्स के लिए। और मैंने जो फ्लेम रखी है वो बिल्कुल ही लो फ्लेम है। जी फ्रेंड्स, तो जब तक केक जो है बेक हो रहा है, मैंने सोचा क्यों ना बहुत ही मजेदार सी बटर क्रीम की फ्रॉस्टिंग जो है वो तैयार कर ली जाए। तो बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए मैंने एक क्लीन बोल में 4 टेबलस्पून बटर लिया है, 3 टेबलस्पून मैंने ली है कास्टर्ड शुगर, और 1/2 टीस्पून लिया है मैंने वनीला एक्सट्रैक्ट। अब मैं सारी चीज़ों को थिक होने तक जो है साथ में बीट कर। फाइनली बहुत ही मज़ेदार सी बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग अब रेडी है, और ये मैंने बनाई है 1 पाउंड केक के हिसाब से। अब 35 मिनट्स के बाद जो है केक हमारा परफेक्टली डन हो चुका है। मैं टूथपिक की मदद से आपको चेक करवा देती हूँ। देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब है कि केक अंदर तक से अच्छी तरीके से पक चुका है। अब बस मैं इसको जो है डिश आउट करूँगी।
जब केक ठंडा हो गया तो मैंने इस पे बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग लगाई और इसको मैंने अपनी पसंद की डेकोरेशन से गार्निश कर लिया। सो आप मेरी ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये कैरेट केक की सबसे परफेक्ट और बेस्ट रेसिपी है। और आपकी क्या फीडबैक है वो मुझे कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी न्यू रेसिपीज जो हैं टाइम से मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत ही स्मूथ, सॉफ्ट और परफेक्ट केक हमने रेडी किया है।